हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि जानते हैं, इकोनॉमिक्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज का सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन भारत में वित्तीय नीति तैयार करता है? भारत में वित्तीय नीति कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर आएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करता है कि जो बजट बनाते हैं उसमें राजस्व घाटे, बजट घाटे, वित्तीय घाटे जैसे घाटों को वो शामिल करता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऐसे घाटों को जो है तय सीमा के अंदर रख कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब थी? तो ये थी 1974 से 1978 तक। ठीक है, इसका जो पीरियड टाइम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करती है? RBI, IRDA, PFRDA या SEBI? इसका आंसर होगा IRDA। ठीक है, जो बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करती है वो कौन है? तो IRDA। नेक्स्ट है कि निम्न करों में से किसे प्रत्यक्ष कर माना जा सकता है? इसका आंसर होगा निगम कर। ठीक है, निगम कर है जो प्रत्यक्ष कर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से कर प्रत्यक्ष कर हैं, कौन अप्रत्यक्ष कर हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा निगम कर के अलावा जो आयकर होता है, संपत्ति कर, पूंजीगत कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। आगे है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर होगा 60। अधिकतम आयु 60 है और न्यूनतम आयु 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था में डैश क्षेत्र हो सकते हैं जो कुल उत्पादक और रोजगार के मामले में प्रमुख है। तो एक अर्थव्यवस्था में केवल एक, केवल दो, एक या अधिक, या इनमें से कोई नहीं। एक अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा एक या एक से अधिक। जैसा कि हम बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट्स कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में होता क्या है कि जो प्रकृति का दोहन करके जो वस्तुएं लाई जाती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि आपका हो गया डेयरी, मत्स्य पालन। ठीक है, और माध्यमिक क्षेत्र में क्या होता है कि प्रकृति की चीज़ का दोहन करके उनको रूपों में बदल दिया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, मिट्टी से ईंटों को बनाना। और तृतीयक जो क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में सहायक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए कि इन तीनों क्षेत्रों को किन किन भागों में बांटा जाता है और क्या क्या इसकी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, NNNP किसके बराबर है? NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है ये फॉर्मूला में? तो ये आएगा GNP और माइनस अवमूल्य। ठीक है, GNP माइनस अवमूल्य होता क्या है इसमें कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान, ठीक है, एक निश्चित पीरियड में किसी भी देश या राज्य व्यवस्था में उत्पादक कारकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य माइनस अवमूल्य होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? इसका आंसर होगा 7 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, साक्षरता दर की आयु कब नापी जाती है? 7 वर्ष या उससे अधिक। और दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई गई वो केरल में पाई गई। ठीक है, केरल में पाई गई थी और वहाँ पे क्या, उसकी दर क्या थी? 94%। ठीक है, 94% केरल में थी। और सबसे कम जो साक्षरता दर थी वो थी बिहार की और वहाँ का था 61.80%। इसके अलावा अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है वो है 91.85%। ठीक है, 98.85%। और सबसे कम जो है केंद्र शासित प्रदेश में तो वो है दादरा और नागर हवेली, वहाँ का जो साक्षरता दर है वो यहाँ पर है 76.24%। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सब भी आप याद कर लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं
कि भारत में साक्षरता दर किस, ये तो हमने पढ़ लिया ठीक है। अब है भारत में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की जो बात है वो किस योजना में कही गई थी, चौथी, पांचवी, तीसरी या छठी? तो इसका आंसर होगा चौथी, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और ये कब हुई थी, 1969 to 74, ठीक है, 1969 to 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के सकल घरेलू उत्पादकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, आप सभी को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, मैं सबको रीड भी कर देती हूँ। सबसे पहला है कि यह एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों और गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। या सेकंड है, यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के कुशल नागरिकों द्वारा उत्पादित पूर्ण रूप से तैयार माल और सेवाओं का कुल मूल्य है। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के बाहर उत्पादित तैयार माल और सेवाओं का मूल्य है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ठीक है, ये नागरिकों का नहीं, ये थर्ड आएगा कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वो है सकल घरेलू उत्पादक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, आगे है कि मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया, मार्शल, किन्स, रिकार्डो, जेके मेहता। तो जो मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है वो हमारे मार्शल जी ने प्रतिपादित किया, ठीक है, इसका आंसर होगा मार्शल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखी, इसका आंसर होगा एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ ने ये जो पुस्तक लिखी थी, और इसका जो विषय क्या था, इसका विषय था कि राष्ट्र की संपत्ति और प्राकृतिक कारणों की जांच, ठीक है, ये सब जो है इसमें शामिल किए गए थे। बाद आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में विकास की दर को डैश के संदर्भ में मापा जाता है, राष्ट्रीय आय, पारिवारिक की मासिक आय, गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे लोगों की संख्या या औद्योगिक विकास। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय, ठीक है। विकास की दर को किससे संदर्भ किया जाता है, राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय का उपयोग जो होता है किसी विशेष देश में आर्थिक विकास के संकेत के रूप में किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन MA का घटक है, तो इसका आंसर होगा चेक बिल जमा के अंतर्गत जो आते हैं ऐसे खाते जिसमें चेक, बचत मुद्रा, बाजार आदि खाते जो शामिल हैं, और जो है RBI मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक मापों को आंकड़ों में प्रकाशित करता है। जो RBI है वो जब प्रकाशित करते हैं आंकड़े तो वो MA1, ठीक है, MA1, MA2, MA3 और MA4 चार भाग में डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया MA1 का कौन घटक है, तो इसका आंसर आएगा चेक बिल जमा, जिसके अंतर्गत क्या मैंने बताया है, बचत मुद्रा, चेक आदि खाते जो है शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। सूक्ष्म अंत जो है अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मूल्य सिद्धांत क्या होता है, जो किसी वस्तु या सेवा के लिए उचित मूल्य बिंदु निर्धारित करने के लिए और आपूर्ति और मांग की अवधारणाओं का उपयोग करता हो, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो है उचित मूल्य जो निर्धारित करने के लिए जो किया जाता है उसे कहते हैं मूल्य सिद्धांत, ठीक है, इसे कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लघु उद्योगों की समस्या है, चार ऑप्शन है, पूंजी की कमी, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल की कमी, या सभी विकल्प सही है। विपणन मीन्स मार्केट होता है, ठीक है, और लघु उद्योगों की क्या समस्या है, तो ये आएगा फोर्थ, सभी, ठीक है, पूंजी की कमी, जानकारी का अभाव और कच्चे माल की कमी जो है ये सभी जो है आज के लघु उद्योगों की समस्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति डैश का कारण बनती है, सुलभ ऋण, पैसों के मूल्य में गिरावट, माल के उत्पादक में वृद्धि, ये बैंक में जमा में बढ़त। तो इसका आंसर आएगा पैसे के मूल्य में गिरावट, ठीक है, अति मुद्रास्फीति का कारण यही है। अति मुद्रास्फीति में होता क्या है,
कि पैसे के मूल्य में गिरावट इसमें होता क्या है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, वस्तु और सेवा दोनों की कीमतें हैं जो बराबर एकदम तेज़ी से बढ़ती हैं, इससे क्या होता है पैसों के मूल्य में गिरावट आती है और क्रय शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, स्वास्थ्य मंदी, विकसित या स्थिर। तो बेरोजगारी किसको दर्शाती है, तो मंदी को दर्शाती है। ठीक है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय व्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे। तो डेयरी वाले का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बैंकिंग आर्थिक विकास के क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ये तृतीय क्षेत्र है, जो माध्यमिक और प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो काम करते हैं वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो बैंकिंग जो आएगा वो आएगा तृतीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे मोस्ट 20 क्वेश्चन जो है ख़त्म हुए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।